क्या आप जानते हैं कि लम्स यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हिना परवेज भट्ट को सियासत में कौन लेकर आया? उनका फैशन डिजाइनिंग से असेंबली और ईवान तक का सफर कैसा रहा? कम उम्र की शादी और तलाक के बाद भी अपने आसाब पर काबू रखकर आगे बढ़ने वाली हिना परवेज भट्ट के ऐसे कौन कौन से शौक हैं जिनसे हमारी पब्लिक ना वाकिफ है? क्या आप जानते हैं कि किसने हिना परवेज भट्ट को अल्लाह की वली करार दिया था? तो जनाब, आज की वीडियो में मरियम नवाज की इंतहाई करीब समझे जाने वाली नून लीगी एमपीए हिना परवेज भट्ट की जाती जिंदगी समेत मुकम्मल सियासी करियर के बारे में अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूँ सादिया जफर और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाली मुतहरिक रुकने पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट आज से 40 बरस पहले 19 जनवरी 1982 को लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिद परवेज अख्तर भट्ट लाहौर की जानी पहचानी कारोबारी शख्सियत जबकि वालिदा यास्मीन भट्ट एक हाउस वाइफ हैं। परवेज भट्ट लाहौर में एक मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चलाते हैं। हिना परवेज ने अपनी इब्तदाई तालीम गढ़ी शाहू लाहौर के कॉन्वेंट ऑफ जस्टिस एंड मैरी स्कूल से हासिल की। याद रहे कि मरियम नवाज शरीफ ने भी इसी स्कूल से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, ताहम वो हिना परवेज की सीनियर थी। लाहौर के मशहूर किनेड कॉलेज से FSC करने के बाद उन्हें फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला और वो डॉक्टर बनने लगी, लेकिन जल्द ही उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ दिया। वो अभी 22 साल की थी कि उनकी शादी समर हयात शेख से कर दी गई। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी भी एक आइडियल शादी हो, मगर हर बार ख्वाहिशात पूरी तो नहीं हुआ करती। हिना की शादी भी ज्यादा दिन ना चल सकी और तलाक पर इख्तिताम पजीर हो गई। दोनों का एक बेटा मोहम्मद शेख पैदा हुआ जो अपनी वालिदा के साथ रहता है और हिना परवेज अपने फर्जंद को बतौर सिंगल पेरेंट पाल रही हैं। हिना परवेज भट्ट ने तलाक के बाद भी जिंदगी को थमने नहीं दिया। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया, जिस पर उनके वालिद समेत घर वालों ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने लाहौर की बेहतरीन जामिया लम्स में एडमिशन लिया और मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ने लगी। यहाँ उन्होंने टॉप किया और गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज अपने नाम किया। हिना परवेज भट्ट ने अपने तालीमी सफ़र को मजीद जारी रखा। उन्होंने दुबई में मिडल लेक्स यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स किया, जबकि वो अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में भी पढ़ती रहीं। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का एजाज भी मिल चुका है। कम लोग जानते हैं कि हिना परवेज भट्ट ने अपनी तालीम के दौरान ही फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में कदम रख लिया था। तब उन्हें वालिद की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। बिजनेस में उन्हें अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिले, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। चूंकि उनके मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के साथ फैमिली टर्म्स थे, यही वजह थी कि उन्हें सियासत में आने के लिए ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े। हिना परवेज भट्ट को 2013 के जनरल इलेक्शन के बाद खवातीन की मुख्तस नशस्तों पर पंजाब असम्बली की रुकन बनाया गया, तो उस वक्त उनकी उम्र 31 बरस थी। 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद उन्हें एक बार फिर से नून लीग ने वुमेन रिजर्व सीट पर रुकने पंजाब असम्बली बनाया और वो इस वक्त तक नून लीग की मुतहरिक रुकने असम्बली हैं। जहां हिना भट्ट की सलाहियतों की दुनिया मोतरफ है, तो वहीं उनके मुखालिफिन की भी कमी नहीं। नून लीग के चंद एक सीनियर लोगों के नज़दीक मरियम नवाज ने चंद एक गैर सियासी लोगों का हजूम अपने साथ इकट्ठा किया हुआ है कि जिन्हें सियासत की अलिफ बे तक नहीं आती। अब तो हिना परवेज भट्ट को सियासत करते एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन जब उनकी नई नई सियासत में एंट्री हुई थी और नून लीग के सीनियर ओहदेदारों की नस्बत वो मरियम बीबी के ज़्यादा करीब दिखाई देती, तो उस मौके पर ऐसा कहा जाता रहा कि हिना परवेज भट्ट ग्रास रूटर नहीं बल्कि पैराशूटर हैं। हिना परवेज भट्ट टीवी शोज़ के दौरान ऐसा बहुत कुछ कह जाती हैं कि जिसे बाद में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। मंसूर अली खान के टॉक शो में एक मरतबा हिना भट्ट ने BBC की एक रिपोर्ट का सहारा लिया और फिर कहने लगी कि नुसरत जावेद जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने जंग अखबार में अपने कॉलम में लिखा, अभी मोहतरमा की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि एंकर ने उन्हें टोका। मोहतरमा, पहली बात कि नुसरत जावेद साहब जंग में नहीं लिखते, और दूसरा ये है कि अगर आपके लिए BBC न्यूज़ मयार है, तो फिर इसहाक डार साहब के BBC पर हॉट टॉक प्रोग्राम पर क्रेडिबल था। उस मौके पर हिना परवेज भट्ट ने ऐसा क्या कहा कि सब हंसने लगे, आइए देख लेते हैं। और दूसरा पॉइंट ये, अगर आप BBC को वाकई इतना क्रेडिबल एक इदारा समझती हैं, तो फिर BBC का जो प्रोग्राम हॉट टॉक इसहाक डार साहब के साथ था, BBC क्रेडिबल? जहां तक हिना परवेज भट्ट की पर्सनल लाइफ का ताल्लुक है, तो उनकी दो बहनें हैं
मैं पहले आपको बता चुकी हूं कि हिना की शादी समर हयात से हुई थी, मगर दोनों का रिश्ता चल नहीं सका। हिना के मुताबिक चूंकि उनके बेटे मोहम्मद शेख के पेरेंट्स ने एक साथ एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारी, इसलिए वो अपने बेटे का और भी ज़्यादा ख्याल रखती हैं। कभी बेटे के वालिद के हवाले से कोई तल्ख बात नहीं करती और उनके बेटे का अपने वालिद से बहुत अच्छा ताल्लुक है। एक इंटरव्यू के दौरान हिना परवेज भट्ट की छोटी बहन ने बताया कि हिना बहुत अल्लाह वाली, रूहानियत पसंद और मोहब्बत करने वाली खातून हैं। जब वो छोटी थी तो अपनी छोटी बहन का स्कूल बैग भी खुद उठाती थी और एक बार स्विमिंग पूल में डूबते हुए उन्होंने अपनी बजाय अपनी छोटी बहन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। हिना के बेटे मोहम्मद शेख अगरचे अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें सबसे अच्छी सियासतदान अपनी मामा लगती हैं। हिना परवेज भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें खाना पकाना नहीं आता, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। बागबानी करना और परिंदों की देखभाल करना उन्हें अच्छा लगता है, जबकि वो पाकिस्तानी ड्रामे, फिल्में और गजलें भी शौक से देखती और सुनती हैं। हिना परवेज भट्ट का शुमार भी इन खवातीन में होता है जो कि सोशल मीडिया को बाकायदगी से इस्तेमाल करती हैं और अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुंचाती रहती हैं। ट्विटर पर उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर उनके 1,64,000 फॉलोअर्स हैं। वो लाहौर मॉडल टाउन के डी ब्लॉक में रहती हैं और उन्होंने खवातीन की बहबूद के हवाले से NGO भी बना रखी है। हिना परवेज भट्ट सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो रोजनामा जंग और डेली टाइम्स के लिए आर्टिकल्स भी लिखती रहती हैं। उनका टीना बाई हिना भट्ट के नाम से कपड़ों का ब्रांड भी है। उन्हें घूमना फिरना और ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। वो इंडिया, थाईलैंड, अमेरिका, मुतहदा अरब अमारात, UK, आजरबाईजान और तुर्की समेत दुनिया के कई ममालिक का सरकारी और निजी दौरा भी कर चुकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप फातिमा भुट्टो की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। डॉक्टर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी की कहानी के लिए यहाँ नीचे और आपको मरियम नवाज के फैक्ट्स यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।